नमस्ते, मैं हूँ बबीता। क्या आपने कभी तारामेथी का सलाद खाया है? आज मैं बना के दिखाती हूँ कैसे सलाद बनाया जाता है तारामेथी का। उसके लिए सबसे पहले बर्तन में तेल डालेंगे 2 चम्मच, तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें थोड़ी राई डालेंगे, ये मैंने 1 बाउल दाना मेथी लिए भीगी हुई और थोड़ी सी बॉईल कर उबली हुई, 1 कटोरी दाना मेथी और 1 कटोरी उबली हुई चने की दाल। सबसे पहले तारामेथी की हम सब्जी बनाएंगे। उसके लिए थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी, 1/4 चम्मच हल्दी, एक टीस्पून धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, इनको बस थोड़ा पानी डाल के गैस थोड़ा धीमे कर देंगे। पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। पानी डाल के थोड़ा इसको पकाएंगे। मसाला जब तेल छोड़ने लग जाए आधा टीस्पून नमक डालेंगे, स्वाद कौड़ी, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम दाना मेथी डालेंगे और चने की दाल साथ में डाल देंगे। दो मिनट इसको पकाएंगे ताकि मसाला इनमें एब्जॉर्ब हो जाए। चने की दाल को भी 2 घंटे के लिए भिगो के और हल्का सा उसको उबाला ताकि इस तरह हो जाए। बस यही चाहिए, इतनी ही उबालनी है इसको। अब मसाला इसके अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे। थोड़ी सी दाना मेथी ये सब्जी हम निकाल लेंगे, कुछ ज़्यादा होगी सलाद के लिए।
ये एक मैंने बड़ा बाउल लिया है, इसके अंदर जो सब्जी बनाई मैंने वो सब्जी डालूंगी। अब इसमें हम सलाद की सारी चीजें डालेंगे। ये मैंने कुछ सब्जियां ली है, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, गाजर, टमाटर और प्याज, ये सब इसमें मिक्स करेंगे। इन सबको मिक्स कर लेंगे। ये मैंने आधा नींबू का रस लिया है, आधी काली मिर्च ली है, वो इस नींबू के रस में डालूंगी। थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा सिका हुआ जीरा और पिसा हुआ। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा खट्टा मीठा टेस्ट करने के लिए एक चम्मच शहद। इन सब को मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें और भी खीरा और भी कुछ सब्जियां डाल सकते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक और डालेंगे और थोड़ा चाट मसाला डालेंगे स्वाद अकॉर्डिंग। अब ये सलाद सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया, इसको हम सर्व करेंगे। ये सलाद खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी सलाद बना है।